ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो डीन एम्ब्रोस की सिचुएशन से मुझे पता आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि कैसे हम लोगों ने देखा कि रॉ के एंड होने के बाद ऑफ एयर जब रॉ चली जाती तो वहां पर हमें शील्ड ने गुड बाय एक तरह से कहा डीन एम्ब्रोस को, और देखकर वहां पर ये लगा कि डीन एम्ब्रोस हमें फाइनल मतलब कि लास्ट टाइम WWE के अंदर देखने को मिले। लेकिन यहां पर एक नई चीज अब सामने है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि शायद डीन एम्ब्रोस अभी WWE कंपनी को लीव नहीं कर रहे। अब उसके बारे में इतनी कोई कंफर्म चीज तो नहीं, लेकिन यहां पर कुछ डेट सामने आई है और 19, 20 और 21 अप्रैल को जो WWE के इवेंट्स होने वाले हैं वहां पर अभी भी डीन एम्ब्रोस को किया जा रहा है एडवर्टाइज। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए जो कि मॉन्ट्रियल में होने वाला है वहां पर भी हमें डीन एम्ब्रोस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब कि जो हम लोगों ने देखा रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद डीन एम्ब्रोस का सेगमेंट, शायद वो WWE के अंदर डीन एम्ब्रोस का फाइनल शो या फिर फाइनल अपीयरेंस ना हो, फाइनल एंट्रेंस ना हो, हमें एक बार फिर से डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर देखने को मिल सकते हैं रॉ के एपिसोड में। अभी यहां पर उन्हें एडवर्टाइज किया जा रहा है, इसके बेस पर यह माना जा रहा है कि शायद हमें डीन एम्ब्रोस देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में चीजें कुछ उलट भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आगे जो डेट्स पर एडवर्टाइज किया जा रहा है डीन एम्ब्रोस को, क्या वहां पर हमें डीन एम्ब्रोस देखने को मिलते हैं नहीं। और इसके अलावा तो यहां पर मैं आपको पहले अपडेट दे चुका हूं कि काफी सारे एक्सपर्ट्स का भी यहां पर यह मानना है कि डीन एम्ब्रोस WWE कंपनी से लीव नहीं कर रहे। वेल, इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे नहीं और हम वेट करते हैं थोड़ा और टाइम का, तब हमें क्लियर पता लग पाएगा कि आगे क्या एग्जैक्टली होने वाला है डीन एम्ब्रोस के साथ। लेकिन फिलहाल डीन एम्ब्रोस को अभी भी WWE की तरफ से कुछ डेट्स पर एडवर्टाइज किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि जुड़े यहां पर यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर से। आप लोग जानते हैं फिलहाल ब्रॉक लेसनर में WWE के अंदर देखने को नहीं मिल रहे, वो अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हार चुके हैं। लेकिन यहां पर जब रिसेंटली डेना वाइट से पूछा गया कि क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस डैनियल कॉर्मर का मैच होने वाला है, तो यहां पर उन्होंने अभी इस बात को कंफर्म किया कि हम मैच की आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता और क्या मैच होने वाला, लेकिन यहां पर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने काफी टाइम से ब्रॉक लेसनर से बात नहीं करी और ब्रॉक लेसनर से बात करने के बाद ही एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि कभी मैच होने वाला है और कभी वाली फाइट जो है कंफर्म होगी। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपको ये बता दूं कि बैटिंग ऑड्स रिवील हो चुके हैं डैनियल कॉर्मर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को लेकर, और यहां पर जो फेवरेट है वो फिलहाल डैनियल कॉर्मर बने हुए हैं। अब यहां पर बैटिंग ऑड्स का मतलब ये नहीं कि जैसे हम WWE के अंदर देखते हैं कि जिस सुपरस्टार के ऊपर ज्यादा ऑड्स लगे मतलब कि WWE स्क्रिप्ट के हिसाब से उसे जिता देगी, लेकिन यहां पर ऑड्स का मतलब कुछ डिफरेंट है और ऑड्स में यहां पर फिलहाल जो है भारी दिखाया जा रहा है ब्रॉक लेसनर के अपोनेंट डैनियल कॉर्मर को। तो फिलहाल हम लोग यहां पर ये मान सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर में देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन डैना वाइट ने यहां पर कुछ क्लियर हिंट नहीं दिया, लेकिन वो पास्ट में ये भी कह चुके हैं कि डैनियल कॉर्मर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हमें जरूर देखने को मिलेगा UFC के अंदर। अब देखते हैं इसकी डेट क्या होने वाली है और किस तरह से UFC के ऑफिशियल्स की तरफ से हमें ये वाली फाइट कंफर्म होती हुई दिखाई देती है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपका क्या कहना है डीन एम्ब्रोस की सिचुएशन के बारे में और ब्रॉक लेसनर के UFC फाइट के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की लेटेस्ट अपडेट्स डेली जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।